हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 19th ऑफ मई के करेंट अफेयर्स। आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। अभी नहीं बताऊंगी आपको, वो आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए हेडलाइंस भी इंक्लूड होती हैं जिससे आप सीए को आसानी से रिवाइज कर सकें। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम 19th ऑफ मे के करेंट अफेयर्स, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। सो 19th ऑफ मे को, बेसिकली 19th ऑफ मे को नहीं, थर्ड जो फ्राइडे होता है मे का, तो आज जो है वो गलती से बाय डिफॉल्ट तीसरे नंबर का शुक्रवार है मई महीने का, है ना। तो इसलिए इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड फ्राइडे इन मे हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल इंडेंजर स्पीसीज डे। नेशनल इंडेंजर स्पीसीज डे इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसके जो इंडेंजर स्पीसीज एक्ट आया था ना, इंडेंजर स्पीसीज एक्ट कब आया था, 1973 में। इसको हो गए हैं 50 साल, इस एक्ट को आए हुए कितना साल हो गया है, 50 ईयर्स हो गया है। इसलिए यहाँ पे जो थीम डिसाइड की गई है वो है सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द इंडेंजर स्पीसीज एक्ट, और इस दिन की शुरुआत 2006 में की गई थी। 2006 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे। हमारी कैबिनेट जो है उसमें भी कुछ रिसफलिंग हुई है, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। ये टाटा सन के चेयरमैन हैं जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन। इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो इन्हें किससे सम्मानित किया गया है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है टाटा चेयरमैन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को, बाय द फ्रेंच मिनिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने एक अच्छे रिलेशन, कमर्शियल लिंक इंडिया और फ्रांस के बीच में डेवलप की हैं। एन चंद्रशेखरन एज अ चेयरमैन अपॉइंट हुए थे टाटा सन के 2017 में, इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, वापस से इनको आने वाले अगले 5 सालों के लिए एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया है। इसके अलावा एन चंद्रशेखरन जो कि चेयरमैन है टाटा सन के, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था 2022 में, और अब इन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या ऑनर भी दिया गया है। चलिए अगली बात करते हैं। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हमारे कानून मंत्री, हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू हैं, ऐसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब वो बात भूल जाओ। किरण रिजिजू का जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे अब चेंज कर दिया गया है, इन्हें बना दिया गया है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, मतलब अर्थ साइंस मिनिस्ट्री इनको दे दी गई है, ये बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री इनको कौन सी मिल गई है, अर्थ साइंस मिल गई है। तो अब लॉ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, लॉ मिनिस्टर बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राजस्थान से हैं, राजस्थान के एक पॉलिटिशियन हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो नए कानून यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे। करेंटली अभी किस पोजीशन पे हैं ये, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर में ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस में होती है, उसमें भी 2016 से 17 तक इन्होंने सर्व किया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो अगला नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, अर्जुन राम मेघवाल अगले लॉ मिनिस्टर हैं, जो कि एज अ सर्व कर रहे थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। इसके अलावा किरण रिजिजू, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दी गई है। तो ये रिशफलिंग हुई है, इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली आप सभी को पता है कि कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, और इसमें मेजॉरिटी किसकी आई है, कांग्रेस की आई है। तो कांग्रेस का ही व्यक्ति क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो यहाँ पे फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि अगले सीएम कर्नाटका के कौन होंगे। ठीक है, कर्नाटका के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, और ये शपथ लेंगे 20th ऑफ मई को, 20 मई को ये अपनी ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिद्धारमैया, ये है सिद्धारमैया जो कि कर्नाटका के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। वहीं डी के शिव कुमार जो है वो डिप्टी सीएम होंगे कर्नाटका के। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि नई अपॉइंटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। बीजेपी अम्बाला एमपी
रतन लाल कटारिया पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये बीजेपी के मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी थे अंबाला से, और इनका निधन हो गया है। इनका नाम था रतन लाल कटारिया। इसके अलावा इन्होंने कई सारे पोर्टफोलियो को भी संभाला है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2019 से 2021 तक इन्होंने संभालने का काम किया है, लोकसभा से एमपी रहे हैं ये अंबाला से 1999, 2014 और 2019 में। इसके अलावा ये हरियाणा गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रहे हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे, रतनलाल कटारिया। अगले पर्सन है हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो हिंदुजा ग्रुप चेयरमैन एसपी हिंदुजा पास्ड अवे रिसेंटली। एसपी हिंदुजा जो है वो फाउंडर है, फाउंडर चेयरमैन होने के साथ साथ फाउंडर भी है हिंदुजा ग्रुप के। और हिंदुजा ग्रुप जो है वो मुंबई बेस्ड एक कंपनी है। इनका जन्म जो है वो सिंध प्रोविंस में हुआ था, जो कि वर्तमान में पार्ट किसका है, पाकिस्तान का है। 1935 में इनका बर्थ हुआ था। हिंदुजा ग्रुप कई सारे सेक्टर्स में काम करता है, जैसे कि पावर, बैंकिंग, केमिकल, हेल्थ केयर, मीडिया एटसेट्रा। नेक्स्ट है साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2023। तो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप रिसेंटली कंक्लूड हुई है, रिसेंटली ख़त्म हुई है। और इस चैम्पियनशिप को कंडक्ट कराया गया था ईटानगर में। कहाँ पर? ईटानगर में ये पूरी चैम्पियनशिप रन हुई थी। इस पूरी चैम्पियनशिप में 100 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, जो 6 अलग अलग कंट्रीज से थे, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, सभी देशों के एथलीट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये जो ईटानगर का स्टेडियम है, दोर्जी खांडू इंडोर स्टेडियम, वहाँ पर ये टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हो रही थी। और भारत ने टोटल 16 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। भारत को कितने मेडल मिले हैं? भारत ने टोटल यहाँ पे 16 मेडल्स जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 16 यहाँ पे मेडल भारत ने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL टू सेट अप 500 करोड़ इथेनॉल प्लांट इन ऊना। ऊना डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 500 करोड़ रुपए में एथेनॉल प्लांट को लगा रहा है। ये बात हमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू के द्वारा बताई गई है, जिसमें 50% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इस प्लांट के सेटअप हो जाने से इस पर्टिकुलर एरिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है ना, फार्मर्स को भी, लोकल्स को, फार्मर्स को भी नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। HPCL के CMD पुष्प कुमार जोशी हैं। ठीक, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर सर्वनंदा सोनोवाल टू इनॉग्रेट द 2-डे नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन संभालते हैं? सर्वनंदा सोनोवाल संभालते हैं। इन्होंने 2 दिन का नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। कहाँ पर? नई दिल्ली प्रगति मैदान में। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ नेशनल आयुष मिशन, तो नेशनल आयुष मिशन को 2014 में 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका एकमात्र मकसद है कि हमारे जो आयुर्वेदा और हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, उनका क्या रोल है हेल्थ केयर स्टीम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको यहाँ पे इंट्रीगेट करना। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज दिख रही होंगी, जिसमें से एक है माली। ये माली है, और ये आपको एक छोटी सी ग्रीन कलर की यहाँ पर बिल्कुल सेकेंड नंबर के पॉइंट पे ये जो कंट्री है, इसका नाम है वेनिन। तो वेनिन और माली, ये 2 कंट्री हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, और इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा। तो WHO ने इनको काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ दी हैं। इन्होंने अपने कंट्री से ट्रैकोमा क्या है, एक बैक्टीरिया से होने वाला आई इन्फेक्शन है। और ये आई इन्फेक्शन कैसा होता है? संक्रामक होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति तक ये आसानी से पहुंच जाता है। बैक्टीरिया से होने वाला ये इन्फेक्शन है ट्रैकोमा, आई इन्फेक्शन, और इससे इन्होंने निजात पा ली है, एलिमिनेट कर दिया है अपनी कंट्री से, माली और बेनिन से। ठीक है ना, अब पूछ लिया जाए कि ये ट्रैकोमा जो बीमारी है, आई इन्फेक्शन है, किसके कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। अगर नाम पूछ लिया जाए कौन सा बैक्टीरिया, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कैल्मेडिया ट्रैकोमेटिक्स, ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज़ डेवलप्ड द यूलस सैटेलाइट। ये यूलस सैटेलाइट किस कंट्री का है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये सैटेलाइट है। इसको इन्होंने 5 साल पहले लॉन्च किया था। आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? 5 साल पहले लॉन्च किया था। तो इसे ये 1360 किलोग्राम का एक सैटेलाइट है, जिसको हमारे क्लाइमेट के रिसर्च के लिए, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, अर्थ एक्सप्लोरर रिसर्च प्रोग्राम के लिए इसको भेजा गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 5 साल पहले।
अभी वापस से आ रहा है अर्थ पे लौट कर, री एंट्री कर रहा है भारत अर्थ पे ये, ठीक है ना। अभी जब ये री एंट्री कर रहा है तो हो क्या रहा है इसके साथ, ये हमारे अर्थ ऑर्बिट से 320 किलोमीटर, मतलब हमारी अर्थ ऑर्बिट पे 320 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये घूम रहा है। अब अर्थ की ग्रेविटी भी कोई चीज़ होती है, इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसका फ्यूल भी ख़त्म हो गया है, ऊपर से जो सूरज होता है सन सन की जो प्लाज्मा वेव है वो भी उसको पुश कर रही है अर्थ की तरफ। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये अर्थ से टकरा जाएगा, क्रैश कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट सुपर बेबी के बारे में। ये है पहला दुनिया का सुपर बेबी जिसको जिसने जन्म कहाँ पे लिया है, ब्रिटेन में। तो इसका ये मतलब मत समझ लेना कि इसके पास कुछ सुपर पावर्स है, ठीक है ना, शक्तिमान जैसे गोल गोल घूमने लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके साथ। ये खास बात इस बेबी के बारे में ये है कि इसे तीन अलग अलग पर्सन्स के डीएनए की मदद से इसको फर्टाइल किया गया था और इसने जन्म लिया है, ठीक है। फर्स्ट बेबी बॉर्न इन ब्रिटेन यूजिंग डीएनए फ्रॉम थ्री पीपल्स, तीन अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए था। हुआ क्या था, जिसकी मदर थी, मान लेते हैं मदर का एग है, मदर का एग है और उसमें कुछ माइट्रोकॉन्ड्रिया जो थी या जो सेल थी वो कुछ डिफेक्टेड थी, है ना। तो उस व्यक्ति, इस बच्चे को ये जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, इस बच्चे को वो जेनेटिक बीमारियां ना पहुंचे, इसलिए क्या किया गया, ये मदर का जो एग था ना उस एग से न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया गया। और क्रोमोसोम तो किस में होते हैं, न्यूक्लियस में ही होते हैं। तो इस न्यूक्लियस को जो है वो मदर की सेल से, मदर के एग से बाहर निकाल लिया गया और उसको किसी हेल्दी एग में इंसर्ट किया गया। और ये हेल्दी एग किसका था, किसी एक हेल्दी पर्सन का रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद IVF कराया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, मतलब यहाँ पे इस एग का फर्टिलाइजेशन किसके साथ कराया, स्पर्म के साथ। और जब ये फर्टाइल हुआ एग, उसके बाद इसे वापस से मदर के यूट्रस में रख दिया, जिसके बाद उस मदर ने बच्चे को जन्म दिया। तो ब्रिटेन फर्टिलिटी रेगुलेटर सेड दैट फर्स्ट बेबी क्रिएटेड यूजिंग एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम थ्री पीपल्स हैव बीन बॉर्न in an effort to prevent the children from the inheriting rare genetic disease. The technique known as the mitochondrial donation treatment, इसे MDT technique कहा जा रहा है। इसमें healthy female donor और जो mother थी उसके egg को निकाल के उस healthy donor के egg में insert किया गया nucleus को, और उसके बाद IVF कराया गया और फिर mother ने उस बच्चे को carry किया और जन्म दिया, इसलिए इसको super baby कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये आज की हमारी करेंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। अब हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है गूगल इन्वेस्ट $1 million टू IIT मद्रास। तो गूगल इन्वेस्ट करने जा रहा है $1 million कहाँ पर, IIT मद्रास में AI रिसर्च सेंटर बनाने के लिए। नेक्स्ट है RBI ने परमिशन दे दी है, अलाउ कर दिया है SBI फंड मैनेजमेंट टू एक्वायर अप टू 9.99% स्टेक इन HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के लगभग 9.99% तक स्टैक जो है वो SBI फंड मैनेजमेंट एक्वायर करेगा। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने बताया है कि भारत जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है तो 2023-24 तक भारत जो है वो लगभग 16% ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के, कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला है, उन्होंने सागर परिक्रमा यात्रा फेज 4 की शुरुआत की है महाराष्ट्र से, रायगढ़ महाराष्ट्र से। सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 है ये, फेज 5 की शुरुआत की है। फेज 1 जो है वो आप देखेंगे मार्च 2022 में शुरू किया गया था गुजरात से, ठीक है। नेक्स्ट है शुभमन गिल एकमात्र ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं हिस्ट्री में जिन्होंने टेस्ट मैच, ODI, T20, IPL सभी में एक ही कैलेंडर ईयर में सेंचुरी लगाई है, ठीक है। अब बात करेंगे हम हमारी हेडलाइंस। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, हमने सबसे पहले देखा कि टाटा सन के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अरुण राम मेघवाल, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है किरण रिजिजू को एज अ लॉ मिनिस्टर, और किरण रिजिजू जब है वो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री को संभालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धारमैया जो है वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे कर्नाटका के, वहीं DK शिवकुमार जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। BJP अंबाला MP रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है, हरियाणा के मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन SP हिंदुजा का भी निधन हो गया है। यहाँ पर साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो कि ईटानगर में हुई थी, भारत ने यहाँ पर 16 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं।
HPCL हिमाचल प्रदेश के ऊना में एथेनॉल प्लांट लगा रही है जिसकी टोटल कॉस्ट 500 करोड़ रुपीज़ है। यूनियन मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल ने 2 दिन का नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव की शुरुआत नई दिल्ली प्रगति मैदान में की है। बेनिन एंड माली ने एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा को, और ट्रैकोमा एक आई इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से होता है, और फर्स्ट बेबी बॉर्न इन अ ब्रिटेन यूजिंग DNA फ्रॉम द 3 पीपल जिसे हमने सुपर बेबी कहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ द वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता ग्रुप के CFO कौन बन गए हैं? सोनल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित बने हैं, ऑप्शन डी यहाँ भी सही है। नेक्स्ट है, CCI के अगली चेयरमैन कौन है? आंसर हो जाएगा रवनीत कौर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, किसी पेपर में आपको ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अगले चेयरमैन कौन है? आंसर है मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एक और क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन ला लीगा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019। तो अभी रिसेंटली जो ला लीगा चैंपियनशिप है वो किसने जीती है, कौन से फुटबॉल क्लब ने जीती है? 4 क्लब के नाम आपको दिख रहा है, जो सही आंसर होगा वो कमेंट में आप मुझे दीजिएगा। अभी सेशन खत्म नहीं हो रहा है, अब यहाँ से तो कहानी शुरू हो रही है, तो लगातार आप लोग मैसेज करते रहते हैं स्टैटिक स्टैटिक, तो आइए आज काफ़ी सारे स्टैटिक है। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्कीम है जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में, उन स्कीम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, कोई स्कीम अगर शॉर्ट फॉर्म में है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, कोई स्कीम अगर लॉन्च हो रही है तो वो कब लॉन्च हो रही है, और कौन इसको लॉन्च कर रहा है, या किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च की है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। पहला है, वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMJDY, इस स्कीम का पूरा नाम क्या है? तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है। कौन सी है ये? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही लॉन्च किया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, और 2014 में इसे लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्या मकसद है? कौशल का मतलब, कौशल विकास का मतलब आपको स्किल डेवलप करानी है, आपको ट्रेनिंग देनी है जिससे आप अच्छे एम्प्लॉयमेंट पा सको। तो टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट इस स्कीम का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की थी 2015 में, 2015 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती है। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शन टू वीमेन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन? तो BPL वाली जो महिलाएं हैं उनको फ्री LPG कनेक्शन किस स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना या फिर उज्ज्वला स्कीम, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था, और इसे लॉन्च किया गया था फर्स्ट में, 1 मई 2016 को इसको लॉन्च किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन? इस स्कीम का क्या एम है? तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनकी स्किल डेवलप करनी है आपको, और उनको सेल्फ एम्प्लॉय कराना है, क्योंकि आपकी आजकल खेती कम बची है और उस पर लोग बहुत ज़्यादा हैं, है ना, काम करने बहुत ज़्यादा, उतनी इनकम जनरेट होती नहीं है। तो यहाँ पे गरीबी को ख़त्म करना है ग्रामीण क्षेत्र से, और गरीबी को ख़त्म करने के साथ साथ जो वहाँ के यंग हैं उनको स्किल डेवलप करानी है और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जिससे वो खुद अपना कोई कामकाज कर सकें। अच्छा, इस स्कीम को शुरू किया गया था 2011 में, और उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये काम करती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? अच्छा, मनरेगा को पहले नरेगा कहा जाता था, फिर इसका नाम मनरेगा कर दिया। तो मनरेगा का मतलब है यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट आया था 2005 में, और मनरेगा स्कीम 2006 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था अंडर द राइट टू वर्क। किसके अंदर? राइट टू वर्क के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? नेशनल हेल्थ मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ऑब्जेक्टिव केवल इतना सा है कि क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रोवाइड कराना है।
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब नेशनल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया था, तो इस मिशन की शुरुआत 2005 में की थी, मनमोहन सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया था। चलिए अगली बात करते हैं, विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रमोट द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जो प्रमोट करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करो, हमारे खेतों में घरों में सोलर एनर्जी का यूज़ करो, सोलर प्लांट लगाओ, है ना। तो ये बात करता है यहाँ पे पीएम कुसुम, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इस स्कीम के बारे में बात करूं, तो पीएम कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 में, और इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, और अभी इसकी जो डेडलाइन है वो रिसेंटली एक्सटेंड भी की है। यहाँ पे 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी जनरेट करने का हमारा टारगेट 2026 का है, मार्च 2026 का, तो अभी इसको रिसेंटली इस डेडलाइन को इंक्रीज किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच गवर्नमेंट इनिशिएट एम टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू ऑल सिटीजन, जब हम डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं तो आपको डिजिटल लिटरेसी भी देना पड़ेगा लोगों को चलाना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, नेट इंटरनेट चलाना सिखाना पड़ेगा ना, तभी तो आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करोगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया, ऑप्शन ए। अच्छा, डिजिटल इंडिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था 2015 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका मकसद है कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा करना, तो ये है सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम वही वाला, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लॉन्च किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय, ठीक है। बेसिकली जब हमारा 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो उसके बाद इस स्कीम को लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, एजुकेशन फॉर ऑल। इसके अलावा कुछ और स्कीम रन की जाती है फॉर द एजुकेशन पर्पस, पढ़े भारत बड़े भारत, इसको 2014 में लॉन्च किया था, और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, जिसमें बेसिकली टीचर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है मैथ्स और साइंस की, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्यों आई थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना और सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम शुरू की गई थी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस स्कीम को 2015 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के स्टैटिक, आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये वो सारी स्कीम है जो रिसेंटली एग्जाम में पूछी जा रही है, क्योंकि आजकल एग्जाम में स्कीम कब लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। टेक केयर।